कारोबार मेरा बालाजी चलावे, कारोबार मेरा बालाजी चलावे, ओ मारी बैलेंस शीट बालाजी बढ़ावे, मेरी बैलेंस शीट बालाजी बनाए, जी मैं कदे भी खाटो आवे ना आवे ना, कारोबार मेरा बालाजी चलावे, रिदम खोलो रिदम रिदम, मारी बैलेंस शीट बालाजी बनावे, कारोबार मेरा बालाजी चलावे, मारी बैलेंस शीट बालाजी बनाए। और हे बालाजी महाराज, ये पहली अर्जी आपके चरणों में, जो उठाएं दोनों हाथ उनका कारोबार चलना चाहिए हाथों हाथ, और जो बजाएं ताली 12 महीने मनाएं दिवाली, और जो मचाएं वानर सेना जैसा शोर, कभी ना रहे कमजोर। कीर्तन में मेरी गद्दी पे बाबा बिराजे, मैं तो कीर्तन में रम जाऊं, मेरी गद्दी पे बाबा बिराजे। सालासर दरबार, कौन कौन मानता है सालासर दरबार को, ताली बजे जरा ये बात। ओ मैं तो कीर्तन में रम जाऊं, चिंता फिकर अब किसकी, घोटे वाला है जद मेरे सागे, मुझे चिंता फिकर अब किसकी, घोटे वाला है जब मेरे सागे, लेने देने का हिसाब रखे हाथों में जनाब, लेने देने का हिसाब रखे हाथों में जनाब। किसी से पैसा लेना हो ना और वो पैसा ना दे रहा हो तो फोन नहीं करना उसको, क्योंकि इसके बच्चे किसी को फोन नहीं करते, इनके बच्चों को लोग फोन करते हैं। फोन मत करना, एक घोटा लेना प्लास्टिक का। देखो मेरे दाएं बाएं मत रहो, हाएं बाएं रहो, मुझे ये दिखते नहीं तो मैं कैसे नहीं पूछूंगा कीमती अच्छो। किसी से पैसा लेना, घोटा चढ़ा देना प्लास्टिक का गदा, और बोलना बाबा ये मैंने गदा चढ़ाया है, उससे पैसा लेना उसको नहीं, वो डूब गया तो तुम्हारे कहां से आएंगे। कर भला कि बाबा ये गदा उसके नाम की चढ़ाई है, उसको भी तार दे ताकि मैं भी तुम जाऊं। कभी भी जादू करो तो ऐसा करो कि सबका भला हो जाए, उसी का नाम जादू है। करो हाथ खोल के लेने देने का हिसाब, रखे हाथों में जनाब, लेने देने का हिसाब रखे हाथों में जनाब, मेरी रोकड़ रोज मिला मेरी मिला, कारोबार मेरा वाला जी चलावे, मेरी बैलेंस शीट वाला जी बनावे, कारोबार मेरा वाला जी चलावे, मेरी बैलेंस का कारोबार कभी ढीला नहीं पड़ेगा। और एक वादा आपसे कि आपके घर की रसोई भी कभी ढीली नहीं पड़ेगी, 1000 लोग भी आ जाएंगे ना तो भी रसोई का राशन खत्म नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। कौन कौन चाहता रसोई भी चलती रहे और कारोबार भी चलता रहे, दोनों हाथ उठा के ताली बजा के ये बात, एक दो धंधे में लागत कुछ ना,
करू राम नाम की कमाई। अगली लाइन आपने गानी है, मेरा साथी लखता तार मेरे भरे रहे भंडार। क्या बात है, ये जो लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं ना अपने अपने घर में, कन्हैया मित्तल पेज पर भी चल रहा है और बाकी कई चैनल्स पर चल रहा है। सबको बता दूं, जितनी हाजिरी इनकी यहां लग रही है आपकी भी उतनी ही लग रही है। एक बार उनकी हाजिरी आप लोग भी लगा दो जरा ताली बजा के। ओ मेरा साथी लखता तार मेरे भरे रहे भंडार, मेरा साथी लखता तार मेरे भरे रहे भंडार। मेरा दुनिया में नाम करावे जी करावे। जब आदमी पहली बार सालासर जाता तो वैसा होता है पिंक टी शर्ट जैसा, और कई दिन हाँ चढ़ जाओ बस 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 बस। अरे गुरुजी, अरे नहीं महाराज, कहां से आया? मैं केसिंगा से आया हूँ, केसिंगा यहाँ से 200 किलोमीटर केसिंगा। आपके कीर्तन बहुत दुनिया में बहुत बार हुए, मेरी जाने की इतनी तमन्ना थी। आप सरायपाली भी कहते, मेरी बहन शादी हुई है, मेरी जाने की बहुत इच्छा थी, मेरे जीजा जी का इतना फोन आया लेकिन मैं जा नहीं पाया। फिर आपका भिलाई में प्रोग्राम हुआ, मेरी जाने की इतना अच्छी लेकिन मैं जा नहीं पाया, लेकिन आपके चलते खाटू श्याम ने मुझे बुलाया और आपके सामने आज खड़ा लाके कर दिया। मेरी हार्दिक इच्छा है मैं आपके साथ एक बार, आप मुझे लेके जाओ, मैं एक बार जा चुका हूँ लेकिन आप हाँ बोलोगे, मैं मेरा घर छोड़ के आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ खाटू श्याम के लिए। हम खाटू श्याम को नहीं जानते थे, लेकिन जब से मैं आपका नाम सुना और आपके भजन कीर्तन मैं यूट्यूब में देख देख के मेरी इतनी तमन्ना जागी है कि मैं खाटू श्याम बार बार जाऊं और कन्हैया मित्तल के साथ जाऊं। मेरे साथ मुझे भूख लग रही है 2 घंटे से। मेरे भाई लोग, मेरे भांजा लोग बोल रहे हैं तू खा के आ जा। अभी 2 मिनट पहले बोला, लेकिन मैं उसको बोला अरे यार खाना रोज खाते हैं, आज एक टाइम नहीं खाऊंगा तो मर थोड़ी जाऊंगा, ये खाटू का श्याम है और मेरा श्याम मुझे बुला रहा है तो मैं जाऊंगा। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। चलेंगे, सुनो अब 18 सितंबर को रिंगस से खाटू हम निशान यात्रा करेंगे साथ में करेंगे। आप भी सभी सादर आमंत्रित हैं। ताली देखो, बाबा पता नहीं किसके लिए आता है, करवाता कोई है झोली कोई भरवा जाता है, पता नहीं इसकी दीवानगी के चक्कर में कन्हैया मित्तल संबलपुर आ गया क्या, कुछ नहीं पता। देखो तो सही, मुझे तो गाने का कुछ ना कुछ मिलेगा, यह भरोसा है कि आने से इसको बाबा मिलेगा। किस किस का बाबा मिलेगा? ताली बजा के लहर लहर लहराए रे झंडा बजी बजरंग बली का झंडा बजरंग बली का दोनों हाथ उठा के लहरा दो, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। आपके घर की छत पे झंडा है क्या? लगाना, 3 फायदे उसके।
पहला फायदा, घर को बुरी नजर नहीं लगती। दूसरा फायदा, घर किसका है किसी को बताना नहीं पड़ता। और तीसरा फायदा, जब एक मोहल्ले में 100 घर होंगे और 100 के 100 के ऊपर भगवा झंडा लगा होगा, तो 101 वहां अगर कोई रहने आएगा तो भगवा धारी ही आएगा और किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि ये मोहल्ला किसका है। उसको पता लग जाएगा, थोड़ा अदब से निकलो, ये वही है जिन्होंने अयोध्या में राम का मंदिर बनवा दिया। भाई दोनों हाथ उठा के मिलके लहर लहर लहराए रे, लहर लहराए रे, झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा, बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा, बजरंग बली का झंडा, बजरंग बली का, तो लहर लहर लहराए रे, लहर लहर लहराए रे, झंडा बजरंग बली का। अन्न धन लक्ष्मी को दाता मेरो बाबो साला घर वालो, अन्न धन लक्ष्मी को दाता मेरो बाबो साला घर वालो। मैं संबलपुर में बैठा क्या सोचूं, मेरी बगिया का वो है रखवालो, मैं संबलपुर में बैठ के क्या सोचूं, मेरी बगिया का है वो रखवालो। अब कह दो जय श्री राम, जैसा कहोगे वैसे हो जाओगे, ध्यान रखना, जैसा कहोगे वैसे हो जाओगे। अच्छा घूमते हो, अच्छा पहनते हो, अच्छा खाते हो, फिर भी बोलते रहोगे ना डूब गया डूब गया डूब गया, तो वो भी कहेगा इसको डुबाई देता हूं। बुजुर्गों से मेरा निवेदन, जो बुजुर्ग बैठे हैं यहां, अपने बच्चों को कहना शुरू कर दो कि तुम मेरे बुढ़ापे की लाठी हो। बार बार जब आप उसे कहते हो ना, तुम मेरा बुढ़ापे में क्या कर दोगे, तुम मेरा बुढ़ापे में क्या कर दोगे, तो बच्चे के दिमाग पे बुरा असर पड़ता है। जब वो बाहर कुसंगति में जाता है ना, कुसंगत उसे कहती है छोड़ तेरे माँ बाप को मेरे साथ चल, तो उसके दिमाग में आता है कि बाबूजी तो कहते रहते हैं हम बुढ़ापे में क्या कर देंगे, हम बुढ़ापे में क्या कर देंगे, वो माँ बाप को छोड़ के चला जाता है। और अगर आप उसे कहना शुरू कर दोगे कि तू मेरे बुढ़ापे की लाठी है, तू मेरे बुढ़ापे की लाठी है, तो जब उसे कुसंगत कहेगी ना चल मेरे साथ, वो कहेगा नहीं भाई, आज मेरे पिताजी ने मुझे कहा था मैं उनके बुढ़ापे की लाठी हूं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर गलती पे डांटते हो, गलती पे डांटते हो, तो अच्छा करने पे पीठ भी थपथपा दिया करो, उसकी शक्ति 100 गुना हो जाएगी। मेरे आने से पहले भाई बोल रहा था कि कन्हैया जी जब आते हैं तो 100 हाथियों का बल उनमें आ जाता है। मेरे पास 100 हाथियों का बल आए ना आए नहीं आता, लेकिन इन भक्तों की तालियों का बल जरूर आ जाता है मेरे पास। मेरे बाबा वाह क्या बात, रख दिया मेरे सिर पे हाथ, मेरे बाबा वाह क्या बात, रख दिया मेरे सर पे हाथ, बोलो मेरे बाबा वाह क्या बात, रख दिया मेरे सिर पे हाथ, मेरे शर्म के मारे उसको रखना पड़ेगा कि इतनी तकलीफ दे रखी है इसको, फिर भी ये कहता है मेरे सिर पे तेरा हाथ है, मुझे डरने की क्या बात है। एक चिड़िया मर रही थी, एक कौवा ऊपर से उड़ता जा रहा था। कौवे ने पूछा कि चिड़िया क्या हुआ, बोले चोट लगी है, पानी भी नहीं है पीने को, बस प्राण नहीं निकल रहे। कौवा बोला मैं स्वर्ग में जा रहा हूं, भगवान से पूछ के आता हूं। चिड़िया बोली हां उसको जरूर पूछना कि मेरे प्राण कब निकलेंगे, मैं बड़ी दिक्कत में हूं। तो भगवान ने कौवे को जवाब दिया कि ये 20 साल तक दुख पाएगी, जा बोल दे उसको जाके। कौवा बोल गया जाके कि चिड़िया अभी तक 20 साल तक तू ऐसे ही दुख पाएगी, लेकिन भगवान से पूछा था तेरा दुख कैसे कम होगा, तो भगवान ने कहा था 20 साल का दुख कम नहीं कर सकता, लेकिन उसको जाके कहे कि हर बात में धन्यवाद बोल दिया करे, मेरा जब मन करेगा तब मैं उसको सही कर दूंगा। कौवा आके बोल के गया चिड़िया को कि धन्यवाद करती रहकर, भगवान ने कहा 20 साल में कभी ना कभी तो ठीक कर ही दूंगा।
चिड़िया ने अगले दिन से धन्यवाद करना शुरू कर दिया। हफ्ते बाद कौआ फिर वहां से निकला, देखा चिड़िया तो बिल्कुल ठीक हो गई, पानी भी पड़ा है और उड़ने की तैयारी है। तो चिड़िया को पूछा, तू इतनी जल्दी स्वस्थ कैसे हो गई? बोली, आप ही तो बोल के गए थे, भगवान ने कहा धन्यवाद किया कर। मैंने धन्यवाद करना शुरू किया, मैं गिरी, जैसे ही गिरने लगी तो धन्यवाद कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं गिर गई। मेरे कंठ सूख गए पानी से, मैंने भगवान को कहा पानी नहीं है, मेरे कंठ सूख गए, तेरा धन्यवाद। मेरे प्राण निकलने वाले थे, मैं बोली भगवान प्राण निकलने वाले हैं, तेरा धन्यवाद। उसी समय भगवान आ गए, जा चिड़िया तुझे माफ किया, तू हर बात में धन्यवाद मेरा करती है, तुझे मरने नहीं दे सकता। तो प्रेमियों, जब तक धन्यवाद करना नहीं सीख जाओगे, तब तक वो झोली भरना भी नहीं जानेगा आपकी। इसीलिए मेरे बाबा वाह क्या बात, रख दिया मेरे सिर पे हाथ, मेरे बाबा क्या बात, रख दिया मेरे सर पे हाथ, मेरा देश में नाम करावे जी कारोबार मेरा, तुम्हारी बैलेंस शीट। पक्की बात है, सिर्फ एक ही नाम गाना है, दोनों हाथ उठा के जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो, बोला बोला जय सिया राम बोलो, 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 ढोलक तबला खोलो, थोड़ा ढोल खोलो, रिदम खोलो इसको, बड़ी दूर से आए हैं ये भी, 1600 नहीं 2000 किलोमीटर दूर से आए हैं, थोड़ा उनको भी आनंद लेने दो। यहाँ खोलो रिदम को, कीबोर्ड यहाँ कम करो, यहाँ रिदम खोलो, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो। मैंने एक आदमी को फोन किया, मैं बोला जय श्री राम, कहता हम नमस्ते बोलते हैं, जय श्री राम नहीं बोलते। मैंने नंबर काट दिया। हफ्ते बाद उसका फोन आया, बोले कन्हैया जी फोन कट गया था, मैं कटा नहीं था, काट दिया था। बोला क्यों? मैं बोला मैं कश्मीर फाइल देखकर आ गया हूं, पहले जय सिया राम बोलो, पहले जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो, पहले जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो, अतुलित बल धाम बोलो, हे शैलाव देवम, जय सिया राम बोलो, धनुजवन कृषानम, जय सिया राम बोलो, ज्ञानी नानक कण्यम, जय सिया राम बोलो, सकल गुण निधानम, जय सिया राम बोलो, रघुपति प्रिय भक्तम, वात जातम नमामि, मनोजमं मानुतुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमता परिष्ठ, वात आत्मजं मानर्युद्ध मुख्यम, श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। ये रामायण है कुछ कथा श्री राम की, ये रामायण है कुछ कथा श्री राम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते रामचंद्र गुण धाम की, ये रामायण है कुछ कथा श्री राम की, ये कथा श्री राम की, जय जय राम 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 राम, जय राम 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 राम। जो राम से पंगा लेता है ना, उसके लिए नाम भी उल्टा हो जाता है, मरा 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 मरा, और जो राम के साथ होता है,
राम 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 पूरा पंडाल गाए एक बार, जुबान पे एक ही नाम हो दोनों हाथ उठा के, राम 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 चंद्र की।